गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी टाइम हो रहा है 3:55 और 4 बज जाएंगे अभी फटाफट। और जो यहाँ पे सनसेट होता है वो होता है 5:30। तो मैं जाने वाला हूँ कहाँ पे, मैं जाने वाला हूँ यहाँ पे सनसेट देखने के लिए, जो कि है यहाँ पे सबसे फेमस ब्रिज यूएन ब्रिज। तो उसके लिए मैंने अभी ग्रैब बुक किया हुआ है, ग्रैब बाइक, तो वो 4300 में मुझे पहुँचा देगी। 4300 यानी कि कुछ लगेंगे मुझे कितना, 120 रुपए के आसपास, 220 तक लग जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ से 12 किलोमीटर है और अभी टैक्सी आके पहुँच जाएगी, तो कुछ मैं आधे घंटे तक पहुँच जाऊँगा, क्योंकि 12 किलोमीटर आधे घंटे भी नहीं लगेगा, 15-20 मिनट पहुँच जाऊँगा। उसके बाद फिर वहाँ पे 1.5 घंटा घूम के वापस आ जाएंगे अपने हॉस्टल में। हॉस्टल तो नहीं, होटल ही है, लेकिन मैं रह रहा हूँ हॉस्टल में जो 6th फ्लोर पर है। तो ये अपना होटल और हॉस्टल। तो ठीक है, अभी वेट करते हैं अपने टैक्सी का, और फिर जैसे मैं यहाँ से निकलूँगा फिर बताऊँगा आपको पहुँचने के बाद वहाँ पर। तो सी यू सून गाइस। ओके, तो टैक्सी मिल गई है, बाइक टैक्सी, और अभी यहाँ से निकल रहे यूबेन ब्रिज के लिए, यूबेन या फिर ओबेन जो भी कुछ कह सकते हैं आप उसको। तो ओबेन ब्रिज यहाँ से जा रहे हैं, अभी यहाँ से कुछ 20 मिनट लगेंगे, तो 4:20 में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद 1 घंटा होगा हमारे पास सनसेट के लिए वेट करेंगे, और फिर सनसेट के बाद कुछ 15-20 मिनट, और उसके बाद हम निकल पड़ेंगे वहाँ से फिर से अपने वापस होटल में। ठीक है, ये देखिए रास्ता यहाँ पे पांडले का। तो गाइस, ये जो क्राउड दिख रही है यहाँ पे, ये सारा कुछ सनसेट देखने के लिए आई है, और ये सब यूबेन ब्रिज या फिर ओबेन ब्रिज कह सकते हैं हम इसको, तो वहाँ के लिए जा रही है। ये देखिए भीड़, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और तो ये जो ब्रिज है, एक्चुअली इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये काफ़ी पुराना है, मतलब 1850 में बना हुआ था, मतलब कि 150 साल से भी ज़्यादा का पुराना है ये, 1850 में बना था। और ये पूरा का पूरा जो ब्रिज है लकड़ी का है, और ये टीक वुड से बना हुआ है। तो ठीक है, अभी हम जाएंगे बिल्कुल उस तरफ जाएंगे, काफ़ी क्राउड है आज, तो सैटरडे भी है इसलिए खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। भीड़ देख रहे हो आप, ये पार्किंग, बाकी बहुत ही ज़्यादा रश आज। अब पता नहीं, क्या पता रोज़ रोज़ ऐसा रश होता होगा, बट आज सैटरडे भी है इसलिए कह नहीं सकते, शायद सैटरडे के चलते थोड़ा सा ज़्यादा रश है यहाँ पे। चलते हैं बीचों बीच कहीं पे, तो खाली जगह मिलेगी। अब थोड़ा बेटर है। तो ये है ओबेन ब्रिज, यहाँ तक आने के लिए कैब टैक्सी में मुझे पे करना पड़ा 4300 यानी कि 215 रुपये। ठीक है, सस्ता है। और जाने का पता नहीं, देखते हैं यहाँ से ग्रैब टैक्सी मिलेगी या फिर कैसे जाएंगे, पता करेंगे इसका। पहले तो अभी जाते हैं कोई अच्छी सी लोकेशन पे जहाँ से सनसेट दिखे, सनसेट पॉइंट उधर होगा वैसे तो, अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है, 1 घंटा है। ठीक है, तब तक हम पूरा उस तरफ से चक्कर लगा के आ सकते हैं, तो चलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ना छतरी यहाँ पे, ये खासियत है यहाँ की, जैसे वाली छतरी बनती है यहाँ पे, पेपर की बनती है, और ये तो वैसे क्लॉथ का है लेकिन पेपर की बनती है, बारिश से नहीं लेकिन हाँ धूप से बचाने के लिए है ये।
ये फोटो खींचा रहा है छतरी के साथ। ओके तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे खाली एरिया है, यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं सनसेट। तो वैसे तो ये नदी है, एक नदी है नहीं है लेक है, लेक नदी नहीं है लेक है, और लेक के ऊपर एक बीचों बीच इन्होंने ब्रिज बना रखा है, मतलब कि इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए। ठीक है, पूरा का पूरा लकड़ी का है, ये खासियत है, और 150 साल पुराना। Stumbling home, we don't know where we're going. Should have turned back hours ago. Hours ago. Out of our minds, I guess we're sleeping outside. You're still a good time, even in the cold. Get out the road, I told you. A car's coming, I stop you. You know why I always got you. You know why I always got you. Yeah, wish it to the sky. Even if it means I die, I wouldn't hesitate about it. Wouldn't even think about it. Sign, I really love you. Push it to the sky. Even if it means that I die, wouldn't hesitate about it. Wouldn't even think about it. Sign, I really love you. Wheels in your hands, I guess we need a new plan. There's a motel a mile down the road. Finally can stand, backed in still looking for dry land. Jump on my back, I'll take you home. This is Uben Bridge, और ये सबसे पुराना लकड़ी का ब्रिज है वर्ल्ड का, और सबसे लंबा और सबसे पुराना लकड़ी का ब्रिज है, और टीक वुड का ब्रिज है ये, और ये कुछ 1850 में बनाया गया था, और अभी 170 साल के आसपास का है पुराना। और रोज़ यहाँ पे हज़ारों टूरिस्ट आते हैं, कुछ सुबह आते हैं सन मॉर्निंग में, कुछ यहाँ पे इवनिंग में आते हैं सनसेट देखने के लिए, कुछ सनराइज़ देखने के लिए। तो ये सारा कुछ यहाँ पे उबेन ब्रिज। सो होप यू एंजॉयड दिस ब्लॉग एंड liked it, and if you really did then please give it a thumbs up, and if you are new to my channel then please do subscribe. तो यहाँ पे ये गाना बजाना भी चलता रहता है इवनिंग में लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो ठीक है, अगर आप यहाँ पे आते हैं मैंडले तो प्लीज़ यहाँ पे आ सकते हैं इवनिंग के टाइम पे, ज़्यादा नहीं आपको कुछ 500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे अगर आप टैक्सी लेके आते हो तो, बाकी साइकिल लेके भी आ सकते हो, 12 किलोमीटर है। और अगर आप ग्रुप में हो तो आप टुक टुक भी कर सकते हो या फिर टैक्सी, ग्रैब टैक्सी। तो ठीक है, तो यही सारा कुछ। ऑटो मिल गया है और ओके ऑटो मिल गया है और अभी यहाँ से जा रहे हैं। ऑटो मतलब ग्रैब से ही बुक किया था मैंने, कुछ 4700 यानी कि 200 कितना बनेगा मान के चलिए, वही 235 से 240। तो ठीक है, मिल जाता है यहाँ से अप एंड डाउन, थोड़ा सा रोड तक आना पड़ा मेरे को चल के, और अभी जा रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ अगर ट्रैफिक कम हुआ तो फिर 20 मिनट लगेंगे, अदरवाइज आधा घंटा। तो ठीक है, पहुँच जाएंगे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कल मॉर्निंग में। आज कुछ नहीं करना है, अभी बस जाके खाना ढूंढना है और खाना खा के सो जाएंगे, और मिलेंगे कल सुबह सुबह। सो सी यू सून गाइस, बाय बाय, टेक केयर। तेलुगु सॉन्ग म्यांमार में मंडले में तेलुगु सॉन्ग सुना जा रहा है, सही है। टॉलीवुड आप तो छा गए।